हाँ तो बात कर लीजिए भाई, व्हाट्सअप तो आप सभी लोग अपने फ़ोन में यूज़ करते ही होंगे। और जब से भाई व्हाट्सअप का स्टेटस वाला फीचर आया है, तब से भाई ले धड़ाधड़ सब स्टेटस डालते जा रहे हैं। लेकिन एक ऐसी दिक्कत आती है कि अगर आप सामने वाले का स्टेटस देखते हो तो सामने वाले को पता चल जाता है कि भाई हाँ, ये बंदे ने मेरा स्टेटस देखा है। लेकिन आज हम इस वीडियो में ऐसी ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं कि आप सामने वाले बंदे का स्टेटस भी देख लोगे, सामने वाले बंदे को पता भी नहीं चलेगा। प्लस सेकंड और एक ट्रिक की बात की जाए, अगर कोई सामने वाला बंदा आपको मैसेज भेजता है तो वहाँ पर एक सिंगल टिक लगता है, अगर आपके पास मैसेज पहुँच चुका है तो डबल टिक लगता है, और अगर आपने मैसेज देख लिया है तो दोनों टिक ब्लू हो जाते हैं। लेकिन ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप सामने वाले बंदे का मैसेज देख भी लोगे, डबल टिक तो रहेगा लेकिन डबल टिक ब्लू नहीं होगा। हाँ, ये दोनों फीचर्स के बारे में, यूके ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर आरंभ करते हैं। कि आप देख रहे हो, आपको यहाँ पे दो स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा और दोनों में व्हाट्सअप मैंने ऑन करके रखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ए नंबर से यहाँ से पैसे हाय लिख के भेज देता हूँ एक नंबर से, और जैसे कि देख रहे हो सामने वो टैब में पहुंच चुका है। और अगर मैं यहाँ से ऐसा इसे देख लेता हूँ ये मैसेज को, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो ब्लू टिक हो जाएगा। यानी मैंने जैसे आपको बताया था, अगर आप फर्स्ट टाइम भेजते हो विदाउट ऑनलाइन, जैसे सामने वाले बंदे को ऑनलाइन नहीं है, सामने वाले के पास पहुंचा नहीं है, तो सिंगल टिक, पहुंच गया तो डबल टिक, अगर सामने वाले बंदे ने देख लिया तो दोनों टिक जो रहेगा वो ब्लू हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। और आगे बात कीजिए, अगर जैसे कि मैं कोई स्टेटस रखता हूँ, ठीक है, डन वन प्लस, यहाँ से मैंने स्टेटस रखा है, ठीक है, और जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे स्टेटस हो चुका है। और अगर सामने वाला बंदा ऐसे कि ये वाले टैबलेट से, मैं यहाँ से अगर मैं ये स्टेटस देख लेता हूँ, ठीक है, डन, और मैंने यहाँ से ऐसे स्टेटस देख लिया है, और मैं जाता हूँ और जैसे कि देख रहे हो एक टैब भी है, यानी इसने मेरा स्टेटस देख लिया। तो इसे हम कैसे छुपा सकते कि सामने वाला बंदा मेरा स्टेटस भी देख ले, सामने वाला बंदा मेरा मैसेज भी पढ़ ले लेकिन मुझे पता ना चले, ठीक है, ये यू कहे मैं कर लूँ लेकिन सामने वाले को पता ना चले, ठीक है। तो मैं यहाँ से कर रहा था उसमें पता चल रहा था, लेकिन अब उस जगह पर बात की जाए, अगर मैं इसके बदले में ये टैबलेट में एक सेटिंग कर देता हूँ, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, सिंपली आपको जाना है थ्री डॉट पे, थ्री डॉट पे जाने के बाद में फिर यहाँ पे जाना आपको सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद में फिर आपको यहाँ पे जाना है अकाउंट्स में, अकाउंट्स में जाने के बाद फिर प्राइवेसी पे जाना है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा रीड रिसेप्शंस, ठीक है, इफ टर्न ऑफ यू वांट सेंड और रिसीव रीड रिसेप्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे कर देते हैं ऑफ, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे करूँ, सिंपली आपको इतना सा स्टेप्स करना है, जैसे मैं यहाँ पे स्टेप कर देता हूँ, ठीक है, अब यहाँ से सेकंड वाले फोन से मैं वापस यहाँ पे भेज देता हूँ, ठीक है, जैसे कि देख रहे हो टैब भी आई, यहाँ पे आपके सामने मैं एक मैसेज कर देता हूँ हाय। मैं जैसे मैं यहाँ से मैसेज हाय लिख के भेज रहा हूँ, देख जैसे कि देख रहे हो दो टिक तो हो चुका है, लेकिन मैं यहाँ से मैसेज देख भी लूँगा, जैसे कि आप देख रहे हो मैं यहाँ पे करता हूँ टैप, और जैसे देखिए मैंने यहाँ पे टैप करके देख लिया है लेकिन ये ब्लू नहीं हुआ, सामने वाले के पास पहुंच गया है, वो ऑनलाइन है लेकिन उसने देखा है, यहाँ पे ये नहीं बता रहा, बल्कि वो वाले टैबलेट में से ही आप देख रहे हो उसने मैसेज वहाँ पे देख भी लिया। और बात कीजिए, जैसे कि मैं यहाँ से स्टेटस जो है वापस डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ये स्टेटस जैसे कि आप देख रहे हो सामने हो, मैंने उसमें देख लिया था टैबलेट में, तो यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन मैं वापस इसे कर देता हूँ डिलीट, यहाँ से जाना है डिलीट, डन। अब मैं वापस स्टेटस एक अपलोड कर देता हूँ, जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे ये, यहाँ से मैं इसे कर देते हैं अपलोड, और जैसे मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ, देख रहे हो जस्ट नाउ, और उसके बदले में मैं यहाँ पे जाता हूँ टैबलेट में स्टेटस, और जैसे कि आप देख रहे हो A2 लिखा हुआ आ चुका है, और यही स्टेटस था, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो, और ये देखिए सेम स्टेटस देखने को मिल जा रहा है ना, मैंने सामने में स्टेटस देख लिया है, यहाँ पे मैं स्टेटस देख भी ले रहा हूँ, देख के मैं यहाँ पे रख भी दूंगा, और यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो बता नहीं रहा कि भाई मैंने स्टेटस देखा, जैसे कि आप देख रहे हो व्यूड बाय 0। बस सिंपली आपको यही ट्रिक करना है, और इसके बाद में भाई आप सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आप सामने वाले का स्टेटस देख रहे हो, सामने वाले का मैसेज देख रहे हो। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ जाएगी अगर आप ऐसी सेटिंग को इनेबल करते हो, तो इससे क्या होगा कि आप कोई भी स्टेटस नहीं रख सकते, जैसे कि देख रहे हो मैं यहाँ से स्टेटस रख देता हूँ, यहाँ से सेंड, जैसे मैं सेंड स्टेटस पे करूंगा और उसके बाद में जब ये अपलोड हो जाएगा तो उसे देख रहे हो जहाँ पे आँख वाला निशान आता था कि कितने लोग ने सीन किया हुआ है, वहाँ पे कट आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि मैंने ये सेटिंग करके रखा हुआ है और मैं स्टेटस नहीं डाल सकता, मतलब मेरे से ये जो अधिकार है वो छीन लिया जा रहा है। आपको एक ये दिक्कत होगी कि आप स्टेटस नहीं डाल सकते, लेकिन सामने लोग आप स्टेटस देख ही लोगे और सामने वाले को बिना पता चले उसका मैसेज भी आप पढ़ सको। जैसे कि आपने देख लिया कि बस खाली एक हल्की सी सेटिंग कर रहे हैं जिससे आप ये बहुत अमेजिंग ट्रिक का यूज कर सकते हो। तो चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं, ऐसे और एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।